और मेरे सुरवीरों कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 यूपी बोर्ड का दूसरा लेसन फॉरगेटिंग, जो कि रॉबर्ट लिन ने लिखा हुआ है। और लेसन शुरू करने के पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट द अथर के बारे में, कि लेखक के बारे में। तो लेखक के बारे में ये कि रॉबर्ट लिन का जन्म 1879 यानी 1879 में बेलफास्ट में हुआ था। उनकी शिक्षा क्वींस कॉलेज बेलफास्ट और रॉयल एकेडमिकल इंस्टीट्यूट में हुई थी। उन्होंने अपने कैरियर जो है वो एक पत्रकार के तौर पर शुरू किया था और बाद में उन्होंने द न्यूज क्रॉनिकल के का भी संपादन किया। उसके छपे निबंधों का, उनके जो छपे हुए निबंध हैं उनका संकलन इस तरह है, द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस जो कि 1921 में आई, सेलेक्टेड एसे जो कि 1923 में आई, और द लिटिल एंजल जो कि 1926 में आई, और इट्स आ फाइन वर्ड जो कि 1930 में आई, और 1949 में लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। फिर देख लेते हैं कि अबाउट द लेसन के बारे में, कि इस लेसन के बारे में किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें लेखक ने इंसानी मस्तिष्क के सबसे रोचक तथ्यों में से एक भूल जाने की आदत को इंगित किया। वो कहते हैं कि आधुनिक व्यक्ति बहुत सी चीज़ों को याद रखता है लेकिन कई बार वह भूल जाता है। हम समानता सही समय पर दवा लेना, मित्रों या रिश्तेदारों को पत्र लिखना या पत्र डालना, ट्रेन अथवा टैक्सियों में चीज़ों को छोड़ आना, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेखक वर्णन करते हैं कि युवा वर्ग तथा खिलाड़ी दूसरे अन्य लोगों के मुकाबले चीज़ों को अक्सर भूल जाया करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर समय कल्पना के संसार में रहते हैं। और लेखक यह भी स्वीकार करता है कि एक अच्छी याददाश्त एक सबसे अच्छे उपहार के जैसी है। ये होता है कि आदमी हर चीज़ें भूल जाता है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेन अपने कान के ऊपर लगा कर और पेन ढूंढने लगते हैं। तो यही है इसी चीज़ों के बारे में जो मनुष्य की एक समान सी आदत है, इसके बारे में लेखक ने इस लेसन में लिखा है। तो देखते हैं कि क्या है लेसन में। अब आते हैं लेसन पे, लेट्स रीड द लेसन। कि अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स एंड नाउ ऑन सेल एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड एंड मैनी पीपल हु रीड इट हैव बीन एस्टोनिश्ड एट द एब्सेंट माइंडनेस ऑफ दियर फेलोज। यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं कि जो पब्लिश्ड वर्ड यूज का मतलब होता है गॉट प्रिंटेड यानी छप जाना। फिर दूसरा वर्ड आया एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है गॉट सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना। और फिर आया एब्सेंट माइंडनेस, इसका मतलब होता है हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स यानी चीज़ों को भूलने की आदत, चीज़ों को भूलने की आदत यानी भुलक्कड़पन। फिर लास्ट वर्ड आया फेलो, और इसका मतलब होता है पीपल, पर्सन या लोग। तो पहली लाइन का मतलब ये कि रेल यात्रियों के द्वारा भुलाए गए सामान जो कि ग्रेट लंदन स्टेशन पर बिक्री के लिए रखे गए हैं उनकी सूची प्रकाशित हो चुकी है और बहुत से लोग जिन्होंने इसे पढ़ा है वे अपने साथ के लोगों के भुलक्कड़पन की आदत पर आश्चर्यचकित हैं, लोगों के भुलक्कड़पन की आदत पर आश्चर्यचकित हैं। इफ स्टैटिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट हाउ एवर आई डाउट वेदर इट वुड बी फाउंड दैट एब्सेंट माइंडनेस इज कॉमन। क्या है स्टैटिकल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स प्रटेनिंग टू फैक्ट एंड फिगर्स यानी संख्या आरेख या आंकड़े। तो यहाँ पर इस लाइन का अगर हम मतलब देखें तो यहाँ पर यह होता है कि अगर भुलक्कड़पन का कोई आरेखीय आंकड़ा मौजूद होता तो मुझे यह आशंका है कि भुलक्कड़पन एक सामान्य सी चीज़ मालूम होती, एब्सेंट माइंडनेस इज कॉमन, तो भुलक्कड़पन एक सामान्य सी चीज़ मालूम होती। अगला लाइन पे आते हैं, इट इज द एफिशिएंसी रेदर देन The efficiency of human memory that compels my wonder. Efficiency का मतलब होता है caliber यानी योग्यता, और compel का मतलब है to force या जिसके हिंदी में कहते हैं मजबूर करना।
तो इट इज द एफिशिएंसी, ये क्या है लेखक के हिसाब से कि यहाँ इंसानी मस्तिष्क की क्षमता है, इट इज़ द एफिशिएंसी रेदर दैन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपल्स माई वंडर। यह इंसानी मस्तिष्क की क्षमता है ना कि अयोग्यता, और यही बात मुझे आश्चर्यचकित करती है, यही बात मुझे आश्चर्यचकित करती है। मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स, मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मनुष्य, आधुनिक मानव रिमेंबर्स याद रखता है इवन टेलीफोन नंबर्स, यानी फोन नंबर टेलीफोन नंबर्स तक याद रखता है। ही रिमेंबर्स वो याद रखता है द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पते। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेजेस, गुड विंटेजेस का मतलब होता है कि स्वीट मेमोरीज ऑफ पास्ट, यानी बीते दिनों की अच्छी यादें, अतीत की अच्छी यादें। तो क्या है, ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, यानी पिछली अच्छे जो पल थे उनके तारीख याद रखता है। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर, वो याद रखता है उन अपॉइंटमेंट्स को, उन मिलने के तयशुदा कार्यक्रमों को जो कि लंच या डिनर के लिए होते हैं। यानी जैसे कोई कार्ड आता है, अगर आप लोग भी देखें तो घर पर अगर कोई इनविटेशन कार्ड आता है तो कार्ड भले ही खो जाए लेकिन आपको डेट याद रहेगी कि हाँ इस डेट को उनके यहाँ निमंत्रण है। हिज मेमोरी इज क्राउडेड विद द नेम्स ऑफ एक्टर्स, उनका जो मस्तिष्क होता है वो भरा होता है नेम ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस, यानी अभिनेता अभिनेताओं एंड क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एंड मर्डरर्स, जितने भी अभिनेता अभिनेता नेत्रियां हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, या फिर जो हिस्ट्री सीटर्स हैं यानी दबंग टाइप के लोग, उनके नाम तक याद रखते हैं जो हत्यारे हैं। ही कैन टेल यू व्हाट द वेदर वॉज लाइक इन अ लॉन्ग पास्ट अगस्त एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल एट विच ही हैड वाइल्ड मील ड्यूरिंग द समर। वह आपको यह बता सकता है कि पिछले अगस्त में मौसम कैसा था, और यह भी बता सकता है कि वह गर्मियों के समय कौन से क्षेत्रीय होटल में रुका था जहां का भोजन बुरा था, जहां का भोजन बुरा था। आगे देखते हैं, इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, अगेन इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ अगेन He remembers almost everything that he is expected to remember. How many men in all London forget a single item of their clothing when dressing in the morning? पूरे लंदन में कितने लोग होंगे जो सुबह कपड़े पहनने के दौरान कोई कपड़ा पहनना भूल जाते हैं? नॉट इन 100, परहैप्स नॉट 1 in 10,000, 100 में से एक भी नहीं, शायद 10,000 में से एक भी नहीं, 100 में से एक भी नहीं, शायद 10,000 में से एक भी नहीं। हाउ मैनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर वेन लीविंग द हाउस, उनमें से कितने लोग घर से निकलते वक्त घर का मुख्य दरवाजा लगाना भूल जाते हैं, घर से निकलते समय घर का दरवाजा लगाना भूल जाते हैं? स्कार्सली मोर, एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे ऑलमोस्ट एवरीबडी रिमेंबरिंग टू डू द Right things and the right moment till it is time to go to bed, and then the ordinary man seldom forgets to turn off the lights before going upstairs. शायद ही कोई, और यह सारा दिन इस प्रकार चलता रहता है। लगभग सभी यह याद रखते हैं कि सही समय पर सही काम करना होता है,
जब तक कि वे बिस्तर पर न चले जाएं। और इसके बाद एक साधारण व्यक्ति शायद ही बत्ती बंद करना भूल जाता हो जब वह ऊपरी मंजिल की ओर जा रहा होता है, यानी जब हम रात में जा रहे होते हैं सोने के लिए, तो ये शायद ही कोई होता होगा जो लाइट्स ऑफ करना भूल जाए नीचे के। अगला पैराग्राफ देखते हैं। देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स विद लेस दैन इट्स यूजुअल परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है कंप्लीटनेस यानी पूर्णतया, और इन रिगार्ड्स टू ये होता है इन कंसर्न विद यानी के संबंध में। फिर देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स विद लेस इट्स यूजुअल परफेक्शन। हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ मामलों में याददाश्त अपनी पूर्णतया से कम स्तर पर काम करती है। इट इज़ ओनली अ वेरी मेथोडिकल मैन आई इमेजिन हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम। मैं मानता हूँ यह केवल एक सुलझा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है कि डॉक्टर द्वारा कही गई दवा वह समय पर लेता हो। अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर हमें दवा देते हैं सुबह शाम दोपहर खाना है, और ये होता है कि हम दोपहर की दवा खाना भूल जाते हैं या फिर रात की दवा खाना भूल जाते हैं। तो लेखक के हिसाब से कि कोई ही ऐसा सुलझा हुआ आदमी होगा जो डॉक्टर के द्वारा दी गई दवा को सही समय पर लेता होगा। दिस इज़ द मोर सरप्राइजिंग बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर। और यह और भी आश्चर्य का विषय है क्योंकि दवा के बारे में याद रखना सबसे आसान चीज़ है। एज अ रूल इट इज सपोर्टेड टू बी टेकन बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स एंड द मील इटसेल्फ शुड बी रिमाइंडर ऑफ इट। एक नियम के तहत इसे भोजन के पहले, भोजन के दौरान या भोजन के बाद लिया जाना होता है, और भोजन अपने आप में ही इसकी याद दिलाता है लेकिन फिर भी आदमी भूल जाता है। द फैक्ट रिमेंस हाउ एवर द फ्यू बट मॉरल जियंट्स रिमेंबर टू टेक दियर मेडिसिन रेगुलरली। पर सच्चाई यह है कि वो केवल कुछ लोग ही हैं जो नैतिक रूप से सख्त हैं और नियमित रूप से दवाई लेना याद रख पाते हैं। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल अस दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम एंड इट मे दैट इज बिकॉज ऑफ दियर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशंस दैट मैनी पीपल फेल टू रिमेंबर देम एट द अपॉइंटेड आवर्स। आधुनिक मनोचिकित्सक कहते हैं कि हम चीज़ों को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें भूल जाना चाहते हैं, और यह भी हो सकता है कि ठोस या तरल दवाएं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हम उन्हें तय समय पर लेना भूल जाते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाउ एवर हाउ इट इज दैट अ लाइफ लॉन्ग डेविटी ऑफ मेडिसिंस लाइक माई सेल्फ इट इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम दोज हु टेक देम मोर अनविंगली। इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि मेरे जैसा ताउम्र दवाओं को समर्पित व्यक्ति कैसे दवाई लेना भूल सकता है, ठीक उन लोगों की तरह जो इसे बिना इच्छा के लेते हैं यानी अनिच्छा से लेते हैं। द वेरी प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज क्योर ऑल डिलाइट्स मी। एक नई व विज्ञप्ति दवा के आने के ख्याल से मुझे अत्यंत
खुशी होती है। डिलाइट्स का मतलब हो गया खुशी, और एडवर्टाइज्ड का मतलब होता है जो विज्ञापन आता है, जैसे टीवी पे हम लोग विज्ञापन देखते हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कहता है कि एक नई और विज्ञप्त दवा के आने के ख्याल से मुझे अत्यंत खुशी होती है। येट इवन इफ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स आई फॉरगेट अबाउट इट एज सून एज द ऑर्स अप्रोचेस एट विच आई ऑट टू सोलो इट। फिर चाहे भले ही वह दवा मेरी जेब में हो और जैसे ही उसके खाने का समय निकट आता है मैं उसे भूल जाता हूँ। सोलो का मतलब होता है निगलना, तो जब भी उसे खाने का समय आता है तो मैं उसे भूल जाता हूँ। केमिस्ट मेक दियर फॉर्च्यून्स आउट ऑफ द मेडिसिन पीपल फॉरगेट टू टेक, और दवाई बेचने वाले उन्हीं दवाओं से अपना भाग्य बनाते हैं जिन्हें हम खाना भूल जाते हैं। यानी लेखक के कहने का मतलब ये है कि अगर हम दवा टाइम से खाएंगे तो वो दवा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, जिस बीमारी के लिए हम दवा खा रहे हैं उसका फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हम दवा भूल जाते हैं तो वो बीमारी हमारी जल्दी ठीक नहीं होगी और वो दवा वापस भी नहीं होगी जो हम नहीं खाते हैं, और फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर डॉक्टर नई दवा लिखेगा जिससे इन दवा वालों को की कमाई चलती है। फिर द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटनेसफुल आई सपोज ऑकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। क्या है कि भुलक्कड़पन का सबसे समान रूप, जैसा कि मैं मानता हूँ, आई सपोज जैसा कि मैं मानता हूँ, ऑकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, ये पत्र डालने के मामले में होता है। सो कॉमन इज इट दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू ट्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर। रिलक्टेंट का मतलब होता अनविलिंग, मैंने बिना इच्छा के, और डिपार्टिंग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, जो वन हु इज गोइंग अवे, जो जा रहा जाता हुआ व्यक्ति। तो इस लाइन का पूरे का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है कि यह इतना सामान्य है कि एक जाते हुए अतिथि को एक महत्वपूर्ण पत्र डालने देने का काम मैं बहुत अनुच्छुक होकर सौंपता हूँ। यानी कहने का मतलब कि कोई जा रहा हो उससे कह दो लेटर डाल दो, तो ये बिना इच्छा के किया जाता है काम। फिर आगे देखते हैं, सो लिटिल डू आई रिलाय ऑन हिज मेमोरी दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ बिफोर हैंडलिंग द लेटर टू हिम। मैं उसकी याददाश्त पर इतना कम भरोसा करता हूँ कि उनके हाथ में पत्र देने के पूर्व उन्हें कसम देता हूँ, ताकि उन्हें याद रहे। कसम देने के बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोगों को याद रहती हैं, तो लेखक सामान्य जीवन की चीज़ों का प्रयोग इस निबंध में किया है कि उन्होंने कहा याद दिलाने के लिए किसका प्रयोग करता हूँ, कसम देता हूँ। एज फॉर माई सेल्फ Anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character. अगर मैं अपनी बात करूं, as for myself, अगर मैं अपनी बात करूं तो क्या होता है, Anyone who asks me, अगर कोई मुझे पत्र डालने का काम सौंपता है to post a letter, is a poor judge of character, तो वह व्यक्तियों को पहचानने में गलती करता है, तो वह व्यक्तियों को पहचानने में गलती करता है। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, अगर मैं उस पत्र को अपने हाथ में भी लेकर चलूं, आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट पिलर बॉक्स बिफोर आई रिमेंबर दैट आई ओथ टू हैव पोस्टेड और टू पोस्टेड इट। अगर मैं पत्र को हाथ में भी रखकर चलूं, तो भी पहली पत्र पेटी को पार करने के बाद ही मुझे याद आता है कि मुझे पत्र डालना चाहिए था। वेरी ऑफ होल्डिंग इन माई हैंड, वेरी का मतलब होता है थक जाना या ऊब जाना। जब मैं पत्र को हाथ में लिए थक जाता हूँ, देन पुट इट फॉर सेफ्टी इंटू वन ऑफ माई पॉकेट्स एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट। हाथ में पकड़े पकड़े जब मैं परेशान हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, तो मैं इसे अपनी जेब में डाल लेता हूँ और फिर इसके बाद उसे पूरी तरह से भूल जाता हूँ।
After that, it has an adventurous life till a long chain of circumstances leads to a number of embarrassing questions being asked, and I am compelled to produce the evidence of my guilt from my pocket. इसके पश्चात जीवन जो होता है वो उतार चढ़ाव से भरा होता है, और जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मुझे सवालों से शर्मिंदा होने वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है, फिर मुझे उस अपराध की निशानी यानी पत्र को अपनी जेब से बाहर निकालने पर बाध्य हो जाना पड़ता है. दिस इज माइट बी थॉट मस्ट बी ड्यू टू अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स, बट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेनेशन, फॉर आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स दैट माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट. ऐसा माना जा सकता है कि दूसरे लोगों के पत्रों में मेरी कम रुचि होने के कारण ऐसा होता होगा, लेकिन यह स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो उन पत्रों को भी डालना भूल जाता हूँ जिन्हें मैंने स्वयं लिखा होता है या मैं खुद लिखकर याद रखता हूँ. दैट माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, जो स्वयं लिखना याद रखता हूँ. तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ही बड़ी और आप लोग पूरा पढ़ेंगे नहीं, तो ज़्यादा बोरिंग ना बनाते हुए हम लोग इसे करके पढ़ते रहेंगे और बुक कंप्लीट हो जाएगी. फिलहाल इस स्टेंजा इस पैसेज के मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट मीनिंग्स के बारे में बता देता हूँ. जो वर्ड आया था रिलुक्टेंट, रिलुक्टेंट का मतलब होता है, अगर इंग्लिश मीनिंग यानी इसका तो होता अनविलिंग यानी अनिच्छुक. डिपार्टिंग, डिपार्टिंग का मतलब होता है वन हु इज गोइंग अवे यानी जो जाता हुआ व्यक्ति है. ओथ, ओथ का मतलब होता है प्लेज यानी प्रतिज्ञा करना. वियरी, वियरी का मतलब होता है ये इरिटेटेड और टायर्ड यानी चिढ़ जाना या थक जाना. एम्बेरसिंग, एम्बेरसिंग का मतलब होता है कि शर्मिंदा करने वाला. और एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ यानी सबूत या साक्ष्य. तो ये रहा आज का वीडियो. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ सौम्या सक्सेना को, जिन्होंने कल ही मुझे पोस्ट किया था इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, और मैंने इनसे आज के लिए प्रॉमिस किया था कि अगले दिन इनको वीडियो मिल जाएगी. तो आज इतना ही पढ़िए. अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही तुरंत मिल सके. और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. तो मिलकर पढ़िए. तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.